बिरसा नगर में भी जो हो रहा है, तीन व्यक्तियों की हमने एक समिति बनाई है। एक रिटायर्ड डीएसपी आरके सिंह हैं, स्पेशल ब्रांच के वो संयोजक हैं, बिरसा नगर के बबलू यादव हैं, एक टेलको के आर एस पांडे हैं, रविशंकर पांडे एडवोकेट हैं। ये तीनों हमको हफ्ता भर के अंदर रिपोर्ट देंगे कि पिछले किस किस समय में किस किस की माफियागिरी चली है, बिरसा नगर में अभी किसकी माफियागिरी चल रही है, और ये सारे घरों के और तो सारी वारदातों के पोस्टर लगेंगे चौक चौराहे पर जमशेदपुर में। चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा डूबने के लिए। जो शीशे के घर में रहता है वह दूसरे के आंगन में पत्थर फेंकने की साजिश करता है तो क्या होता है उसका, अभी जो चीज़ें हैं सामने आएंगी और तब पता चलेगा। जमशेदपुर में माफियागिरी, जमशेदपुर में ज़मीन की लूट, भालूबासा में बन गया एक मार्केट, नाला पर बन गया आज भी है वो, शौचालय को तोड़कर लोगों ने भालूबासा में कार्यालय बना लिया है, ये किसने किया है। पिछले 5 वर्षों में जमशेदपुर में जो माफियागिरी हुई है, जो ज़मीन लूट हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री के रहते समय उनके समय में कौन सा ले रहा था और कौन रोक रहा था इसको, ये बात सामने आएगी तब पता चलेगा कि बिरसा नगर में माफिया जमीन वाले 6 महीने में पैदा हो गए हैं या अर्जुन मुंडा ने उनको पैदा किया था, किसने पैदा किया था उनको, खुलकर कहें, उसके भाई से क्यों कहवा रहे हैं। और उनके सामने मृतक का भाई कह रहा है कि अर्जुन मुंडा संरक्षण दे रहे थे, तो ये बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, अगर बात निकली है तो बात को जहाँ जाना है वहाँ जाएगा।